नमस्कार, वेलकम टू परफेक्टिंग लाइफस्टाइल। दिस इज शशांक सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, जितने भी लोगों से पूछे सब लोग पूछते रहते हैं कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग की डाइट क्या होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या खाना चाहिए, और भाई ये तो नहीं है कि जब इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में इतनी देर तक कुछ नहीं खाते हैं तो क्या वॉमिटिंग और ये सब जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं ये तो नहीं होने लगती हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ स्टाइल। इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक डाइट की तरह मत काउंट करिए। जितने भी लोग हैं जैसे रोज़े रखते हैं तो उसमें वो लोग फास्ट करते हैं, तो एक ये लाइफस्टाइल का तरीका है, ये एक डाइट नहीं होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में मेन ये बात होती है कि आपको एक सेट शेड्यूल मिलता है, उसमें आपको विद इन अ 14 आवर विंडो और अ 16 आवर विंडो आपको कुछ नहीं खाना होता है, आपको सिर्फ पानी और कॉफ़ी पीनी होती है। कॉफ़ी में भी ओनली ब्लैक कॉफ़ी एंड इट शुड बी अनस्वीटेंड विद नो मिल्क, और बाकी की जो आपको 8 आवर की विंडो मिलती है उसी के दौरान आपको सब कुछ खाना होता है। तो नॉर्मली आप जब भी एक दिन में कुछ खाते हैं तो आप यूजुअली 4 to 5 मील्स लेते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये डिफरेंस होगा कि आपको 16 घंटे कुछ नहीं खाना है और बाकी जो आपको 8 आवर्स मिले हैं उसमें आपको अपने 2 to 3 मील्स लेके अपने पूरे मैक्रोज और अपने कैलोरीज जो आप लेते हैं फूड से वो आपको पूरी करनी होती हैं। मान लीजिए अगर आप रात के 8 बजे अपनी लास्ट मील लेते हैं तो आपको रात के 8 बजे से लेकर अगले दिन के दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। इस टाइम पे आप सिर्फ वाटर पी सकते हैं, और जब आप सुबह सो के उठें तो आप उसमें अनस्वीटन कॉफ़ी पी सकते हैं। जैसे ही 12 बजे तो उस टाइम पे फिर आप अपना फास्ट तोड़ सकते हैं, कुछ हेल्दी खा लीजिए। जो डाइट और सप्लीमेंट्स होंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अपना फास्ट तोड़ें 12 बजे तो उस टाइम पे अपनी पहली मील ले लें, और उसके बाद रात के 8 बजे तक अपनी बाकी की 2 मील्स भी लेके अपनी कैलोरीज और अपने मैक्रोज को पूरा कर लें, और उसके बाद रात के 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ पानी। हम लोग को शुरुआत से सिखाया गया है कि आपको हमेशा ब्रेकफास्ट सबसे हैवी करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आप या तो स्कूल या कॉलेज या फिर आप ऑफिस जाते हैं तो बाकी पूरे दिन आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है डे का। उसके बाद डिनर हमेशा सबसे लाइट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग का डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, पर ये 100% सच नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको आप चाहें तो अपना मील लें, ब्रेकफास्ट का चाहें तो ना लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में यह है कि अगर आप मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूं तो आप क्या कर सकते हैं कि रात को आप 10 बजे अगर अपनी लास्ट मील लें तो फिर आप नेक्स्ट डे दोपहर के 2 बजे अपनी पहली मील लेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप सुबह उठते हैं जल्दी तो आपको, अगर आप अकेले हैं या फिर कोई आपके साथ नहीं है आपके लिए कुछ भी फूड बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जल्दी आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ऑफिस चले जाएं और अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, और उसके बाद आप 2 बजे अपना सीधे लंच करें, और लंच के बाद एक प्री वर्कआउट मील अपने वर्कआउट से पहले, और उसके बाद सीधे रात को बजे या 10 बजे जैसे आप अपने अप्रोप्रिएट समझें उसके बाद अपना फास्ट चालू कर सकते हैं, आपको ब्रेकफास्ट कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। शुरुआत के कुछ दिन जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपको हेडेक और नौजिया फील हो सकता है, आपको हो सकता है कि शायद 1-2 बार वोमिटिंग हो जाए क्योंकि गैस बहुत बनेगी आपको, लेकिन विद इन अ वीक आपको बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत पड़ जाएगी और उसके बाद ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको बाद में ये पता चलेगा कि रिलीफ मिलता है। अब मैं बताने वाला हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स, जो कि काफ़ी सारे हैं। नंबर 1, आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं। अब जितने भी लोग, जैसे मैंने बताया कि सुबह जल्दी उठ के काम पे जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा हासिल यही है कि सुबह जल्दी उठ के क्या बनाएंगे, क्योंकि बस टाइम नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं और सीधे लंच पे अपना फास्ट तोड़ के लंच कर सकते हैं, कुछ भी हेल्दी खा सकते हैं। नंबर 2, आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी। जितने भी आपको क्रेविंग्स होती हैं शुगर खाने की या फिर कुछ भी स्वीट खाने की या फिर कुछ बाहर का खाने की, आपकी क्रेविंग्स बहुत कम हो जाएंगी और ओवरऑल आपका हंगर भी बहुत कम हो जाएगा। आपकी बॉडी को धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और कम खाने की, और इसी की वजह से जब आप पहले ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते थे क्योंकि आप ओवरऑल फूड ज़्यादा खाते थे, तो अब जब आप फूड भी कम खाएंगे तो ओवरऑल आपकी कैलोरीज जो आप कंज्यूम करेंगे वो भी कम होंगी। इसलिए जब भी आप वर्कआउट करेंगे या फिर आप कोई भी कार्डियो सेशन करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जब कैलोरीज बर्न होंगी ओवरऑल आपका कैलोरिक डेफिसिट ज़्यादा होगा। इसका तीसरा बेनिफिट है कि ये जितने भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, उसको कम कर सकता है, आपको बेटर फोकस मिलेगा, आपकी जो मसल रेपिटेशंस होंगी उसमें आपको ज़्यादा पावर फील होगी, और ओवरऑल आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बेटर फंक्शन करेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप ओवर अ मंथ कंटिन्यू करें तो उसके बाद आपको उसके इम्यूनिटी पे जो इफेक्ट्स होते हैं आपके इम्यून सिस्टम पे वो आपको पता लगने लगेंगे। इसका जो आखिरी बेनिफिट है वो ये है कि आपको कैलोरीज कम काउंट करनी पड़ेंगी। यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते हैं, आपको मील्स लेनी होती हैं, आप स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं, तो आपको हमेशा कैलोरीज काउंट करनी पड़ती हैं कि कहीं आप थोड़ा सा आगे पीछे ना हो जाएं और फिर आपकी डाइट बेकार ना हो जाए।
पर इंटरमीडियंट फास्टिंग में ये फ़ायदा है कि अगर आप ओवर 3 to 4 days जब आप 8 hours की विंडो के अंदर अंदर कुछ सब कुछ खा लेते हैं, अपने सारे मील्स कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ 3 to 4 days हमको ट्रैक रखना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं, और उसके बाद आप वही 8 hour विंडो के अंदर वही मील्स कंज्यूम करके उनको रिपीट करके आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, और आपको फिर कैलोरीज काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओवरऑल अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद ये वही मील्स लेते हैं तो कभी कभी बिना काउंट करे भी आप कैलोरी डेफिसिट में ही होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी फास्ट करने के बाद ऑलरेडी बहुत कैलोरीज बर्न कर चुकी होती हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड नमस्कार।